इन सारे पेड़ों को देखिए, कांटेदार पेड़ होते हैं यहाँ पे। इन बेरियस को तोड़ के खाते ये लोग। कुछ मिला भाई? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आज का पूरा दिन ठन ठन गोपाल, कुछ घंटा नहीं मिला भाई को। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह आज दूसरा दिन है और हम लोग फिर से आ गए हैं हरजावे ट्राइब लोगों के पास, लेकिन आज आए हैं दूसरे कबीले में। जी हाँ, ये लोग भी हरजावे ट्राइब है लेकिन ये कबीला दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहला वाला वीडियो देख लो, आई बटन पे दिया होगा, जो मैंने एक्सप्लोर किया था कल हरजावे ट्राइब। तो आज भी आया हूँ, आज जाएंगे बड़े वाले शिकार पे। कल तो गए थे छोटे वाले शिकार पे, आज जाएंगे बड़े वाले शिकार पे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह ये लोग निकल चुके हैं शिकार के लिए। तो चलिए आज फिर से भागा दौड़ी स्टार्ट होने वाली है। इस जंगल पे आज बहुत दूर जाने वाले हैं क्योंकि आज बड़ा वाला हंटिंग होगा, बड़ा वाला शिकार के खोज में निकले हैं सब। तो आज कल जैसा नहीं होगा, आज कल से भी ज़्यादा दूर निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इन सारे पेड़ों को देखिए, कांटेदार पेड़ होते हैं यहाँ पे सारे के सारे। जितने भी बुश आपको दिख रहा है कांटेदार पेड़ है ये सब, हाथ में पैर में चुभ जाता है। चारों तरफ आप लोगों को बुश और बुश दिखाई देगा, इसलिए इन लोगों को बुशमैन भी कहा जाता है हरजावे ट्राइब लोगों को। देखिए सूरज को, देखिए सूरज चाचू जाग गए। सूरज उगते हुए ज़्यादा देर नहीं हुआ क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले अंधेरा था और अभी रोशनी खिला है। बहुत ही सुबह सुबह निकलते हैं हंटिंग पे, तो हम लोगों को भी निकलना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आया हूँ दो दिन से, बहुत ही सुबह सुबह निकल रहा हूँ मैं और मेरे दो गाइड भाई हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकेले आना पॉसिबल नहीं होता है ना, गाइड के साथ आना होता है। कुछ दिखा है यहाँ पे इन लोगों को, झाड़ियों में कुछ दिखा है। देखो झाड़ियों में मेरा टोपी अटक गया मेरे सर से। इस भाई को कुछ पेड़ के ऊपर दिखा है। ये लोग तो आगे जा रहे हैं लेकिन ये भाई दूसरे तरफ चला गया। मार गिराया होगा कुछ, निशाना काफी अच्छा होता है इन लोगों का। बहुत ही कम होता है इन लोगों का निशाना, मिस होते हुए मैंने देखा। एक बार में शिकार कर लेते, एक पक्षी मिला है भाई को। लेकिन एक पक्षी से क्या होने वाला, आज मेरे को बड़ा वाला शिकार देखना है, बड़ा कुछ। देखिए मैं ऐसा मत सोचना कि मैं शिकार को सपोर्ट करता हूँ, हंटिंग को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लीगल है यहाँ पे, गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों के पास परमिशन है तो ये लोग तो करेंगे ही, है ना। और जो हो रहा है यहाँ पे जंगलों में वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सच दिखा रहा हूँ। तो इसमें सपोर्ट करने वाली ना करने वाली कोई बात नहीं है, मैं करूँ या फिर ना करूँ ये लोग तो करेंगे, है ना। बस मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ये सब आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। देखिए
बावा ट्री दिखाई दे रहा है। They're trying to make arrow. Yes. Okay. Special arrow. Yes. They calling them Grevia. Oh. Yeah. यहाँ पे झाड़ियों से टहनियों को काट के कुछ स्पेशल प्लान है इनका, स्पेशल एरो बना रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते एरो भी बना लेते हैं। कुछ दिखाए इन लोगों को। तीर तो छोड़ दिया, शिकार मिला है कि नहीं पता नहीं। एक तीर तो मार दिया पेड़ के ऊपर। बहुत कम होता है कि निशाना चूकता है इन लोगों का। झाड़ियों के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। वो जो तीर मारा था ना, तीर कहाँ पे गिरा है वो ढूंढ रहा है। कछुआ मिला है इनको एक जंगल से। ये देखिए छोटा सा कछुआ मिला है। हमारे देश में तो ये खाना पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ये थोड़ी ना भारत है, ये अफ्रीका है। और भारत में तो शिकार भी पॉसिबल नहीं है, है ना? अफ्रीका में होता है ये सब। देखिए चारों तरफ पत्थर और पत्थर और रेतीला जगह है। देख के लग रहा है यहाँ से शायद किसी जमाने में यहाँ से नदी बहती थी। अब पानी नहीं है यहाँ पे। शायद किसी भी जमाने में यहाँ पे नदी हुआ करता था और अब सूख गया होगा, या फिर बरसात के मौसम में फिर से यहाँ पे पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। शायद हो सकता है ऐसा। अभी तो रेतीला जगह है, सूखा है। अब तो इधर पूरा जंगल है भाई, पूरे जंगल पे आ गए। ऐसे पेड़ के टहनियों को काट के रास्ता बना रहे हैं। एक भाई तो इधर चला गया और दो भाई इधर गए हैं। मैं इधर से चलता हूँ। देखिए निकलने के लिए जगह, देखिए कांटेदार पेड़ है। बाप रे, देखिए पूरा काटा है। कहाँ गए इधर, कहाँ गए लोग, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसे रास्ता दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इधर से चलता हूँ। शायद यहीं से निकले होंगे। जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। अटक गया मैं इधर। मैं तो बिछड़ गया हूँ इन लोगों से, लेकिन शुक्र है मेरे पीछे गाइड भाई मिल गए। पीछे से आ रहे थे। पूरा जंगल है इधर। जंगल की तरफ चले गए ये लोग। इधर से चलना पड़ेगा रे बाबा। हाँ इधर गए हैं। पतली पतली रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ता नहीं है, पैरों का निशान दिखाई दे रहा है। बाप रे बाप। नाइस एडवेंचर। लेकिन ये लोग अभी तक नहीं मिले। ट्राइबल लोगों को अभी तक देखा नहीं मैं। अभी हम लोग ना पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इतना हाँफ रहा हूँ मैं।
और चला नहीं जा रहा मेरे से। थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ाई हो रहा है। नीचे से आ गए हम लोग बहुत ऊपर तक, ऊपर की तरफ चढ़ाई हो रहा है। मेरे से चला नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा। हाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। चलो, माय गॉड, मेरे गाइड भाई को लोकल लैंग्वेज आता है इसलिए वो कम्युनिकेट कर सकता है इन लोगों से। पीछे देखिए कितना ऊपर आ चुका हूँ, ऐसे ही मेरा सांस नहीं फूल रहा है, ऐसे ही पसीना नहीं छूट रहा है। मैं तो पूरा थक चुका हूँ, यहाँ पे आके बैठा हूँ। और मेरे गाइड भाई भी देखिए, ये भी बैठ चुके हैं और ये भाई भी बैठ चुके हैं। चला नहीं जा रहा है किसी से भी, बुशमैन लोग आगे निकल गए। ये लो, मेरे बिछड़े हुए साथ ही मिल गए। ये लो, आखिरकार मिल गए सारे लोग। और हम लोग जिस पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे ना, उस पहाड़ के चोटी पे आ चुके हैं। अब तो फिर से दूसरे तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं और भी कितने सारे पहाड़ लांघना पड़ेगा, और मैं पहाड़ों पे उठना नहीं चाहता हूँ आज के इस हंटिंग में, आज की हंटिंग पे ये काफ़ी है। देखिए मेरा हाथ, उंगली का हाल देखिए, उंगली पे कांटा चुभ गया, पैरों पर भी चुभाए दो तीन। आप लोग अगर ऐसे जगह पे आना चाहते हो ना, फुल स्लिप पहन के आना, मेरे जैसे मेरे तरह मत करना, हाफ स्लिप पहन के मत आना। मैं जिस बात से डर रहा था वही हुआ, फिर से ऊपर की तरफ चढ़ाई करने पड़ रहा है और फिर से घना जंगल आ गया। देखिए और एक बावा ट्री है, दूर दूर नहीं नज़दीक है। इन लोगों का अभी दिन आज बहुत ही ख़राब है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को। क्या जीवन है इन लोगों का यार। हाँ, लेकिन फिर भी खुश है ये लोग हैं, और हम लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, रोज़मर्रे की परेशानी। हाँ, और ये लोग ऐसे ज़िंदगी जीते हैं फिर भी खुश हैं। इसलिए कहा जाता है खुशी ना पैसों से नहीं आता है। चल झूठा। बाप रे, घना जंगल, घना जंगल। सारे बेडीज को देखिए, ये लोग खाते हैं यहाँ पे, यहाँ के आदिवासी लोग इन बेरियस को तोड़ के खाते हैं ये लोग। लेकिन ये अभी खाने लायक नहीं है, पक जाएगा तब खाने लायक बनाएगा ये, इसलिए मैं खा नहीं सकता। वन ऑफ द एनिमल्स हैव अ बिग आईज, अ बिग आईज, एंड दे कैन हैव टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। ओके, डिड दे फाउंड इट? नाउ दे आर गोना किल नाउ हियर। ओह या, सो दे फाउंड वन? Yes.
What does it call? Bush baby? Bush baby. Bush baby. Yeah. कोई जानवर है बुश बेबी, दिखा इन लोगों को, उसके खोज में लगे हैं। तीर मार रहे ये लोग, मैं दूर खड़ा हूँ। ये लोग तीर मारा ऊपर और पता चला तीर आके मेरे में घुस गया। मैं दूसरा छेद लेके मेरे को घर लौटना पड़ेगा। और इस भाई को देखो, पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए हैं। गिलहरी जैसा कुछ है, बुश बेबी कहा जाता है। बड़ा बड़ा आँख होता है, छोटा सा जानवर है। उसके पीछे कितना देर से पड़ा हुआ है ये लोग। देखिए इस जंगलों में हर एक पेड़ पे काटा होता है, हर एक दूसरे पेड़ पे ऐसा काटा होता है। और जब आप जंगल में आते हो ना, तो आपके शरीर पे ऐसे कांटे चुभ जाते हैं। हर एक दूसरे पेड़ पे कांटा मिल जाएगा। कुछ पेड़ पे छोटे छोटे कांटे, कुछ ऐसे पेड़ है जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कांटे। ये लोग फिर से छूट गया, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। कोई नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अकेला फिर से। गाय लोग कहाँ पे मेरे पीछे? हाँ गाइड भाई आ रहे हैं पीछे से। कुछ मिला भाई? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आज का पूरा दिन ठनठन गोपाल, कुछ घंटा नहीं मिला भाई को। भाई भाई बुश बेबी, बुश बेबी नहीं मिला। बुश बेबी तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओके। What is it? What is it? So that we're here, so we're looking for the monkeys, and we hope that we'll find the monkey. The monkey. Okay. And he said, okay, no problem, let's go. भाई से पूछा, कुछ नहीं मिला आज, बुश बेबी नहीं पकड़ पाया। बोल रहा है कोई बात नहीं, बंदर पकड़ेंगे, बड़ा वाला बंदर पकड़ेंगे, चलो मेरे साथ, नो प्रॉब्लम। कभी मैं अटक जाता हूँ, मेरा टोपी अटक जाता है कभी। किधर गए लोग? पूरा देखो यहाँ पे भी। इस जगह पे ना भाई कांटे ज़्यादा है, इस जगह पे कांटे ज़्यादा है, पहले से भी ज़्यादा। जंगल भी बहुत घना है यहाँ पे। देखो झाड़ियों पे कितने कांटे हैं, कितने सारे। तो दिन इन लोगों का बेकार गया, मेरा भी, क्योंकि एक भी शिकार नहीं मिला आज के दिन, किसी को भी नहीं मिला है यहाँ पे।
बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए क्योंकि इन लोगों को खाना नहीं मिला है। दूसरे तरीके से सोचा जाए तो आज कुछ जीवों का जान बख्श गया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। ये प्रकृति है भाई, प्रकृति के साथ ही चलना पड़ेगा। आज जंगल में एक भी जानवर नहीं मिला, जानवर था ही नहीं, कहाँ पे घुस के बैठा है पता नहीं।